डेटा एनालिस्ट बनने के लिए या बिज़नेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस को यूज़ करने के लिए या आप डेटा से इंसाइट्स लेके डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको डेटा की ज़रूरत होती है और डेटा लेने के लिए आपको एक कंपनी या कोई एक प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से डेटा आप कलेक्ट करते हैं जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक कंपनी है नाम है कोडेनिक्स कोडेनिक्स के ऊपर कितने लोग कौन से कोर्स में इनरोल हो रहे हैं ये मेरा डेटा है वो लोग किस किस कंट्री में रहते हैं ये भी एक डेटा है उन लोगों की एज क्या है ये भी एक डेटा है वो मेल हैं या फीमेल हैं ये भी एक डेटा है क्या वो सिर्फ उर्दू बोलते हैं या हिंदी भी बोलते हैं ये भी एक डेटा है तो ये डेटा जो है जब मेरे पास आ जाएगा पावर बी के अंदर मैं इस डेटा को कैसे कनेक्ट करूँगा उसके लिए हम डेटा कनेक्शन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं यानी कि अपने डेटा को उठा के पावर बी के अंदर लेके आते हैं ताकि हम उस पर एनालिसिस कर सकें इस लेक्चर के अंदर हम डेटा कनेक्शन ही सीखने वाले हैं विच इज द फर्स्ट स्टेप फॉर पावर बी आई वर्क फ्लो फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस लेट्स जंप इन टू इट स्क्रीन पे आपके सामने आप देख सकते हैं कि मेरे पास पावर बी आई ऑलरेडी ओपन है जो लोग पावर बी आई को जानते हैं उन्होंने इंस्टॉल किया है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया पूरे का पूरा कोर्स वहां पे अवेलेबल है जैसे आप मेन होम के टैब पे जाते हैं यहां पे जाके इस जगह पे जब आप क्लिक करते हैं गेट डेटा पे ठीक है मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जब आप गेट डेटा पे क्लिक करते हैं सो यू कैन एक्चुअली कनेक्ट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस एक्सेल से लेके आना है तो वो यहीं पे आप लिंक पे क्लिक कर देंगे किसी और जगह से लेके आना है सो यू हैव दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस हियर और ये डेटा का बेसिकली एक सेक्शन अवेलेबल है जहाँ से आप डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं मैं जूमआउट करता हूँ और आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ गेट डेटा तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज यहाँ पे ओपन हो जाते हैं और डेटा की डिफरेंट फाइल्स होती हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है जैसे एक्सेल वर्कबुक बोलते हैं जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एक्स एल एस एक्स फिर पावर बी आई समेंटिंग मॉडल्स हैं जो लोगों ने सेव किए हैं आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा फ्लोज हैं डेटा वर्स है एस क्यू एल सर्विस या सीक्वल सर्वर्स के थ्रू भी डेटा लेके आ सकते हैं एनालिसिस सर्विस को भी देख सकते हैं टेक्स्ट या सी एस वी डेटा भी लेके आ सकते हैं जिसमें टी एस वी फाइल होती है सी एस वी फाइल होती है पैराक्वेट है देर आर मैनी अदर फाइल्स अवेलेबल वेबसाइट्स का डेटा भी लेके आ सकते हैं देन देर आर मेरी अदर रिसोर्सेज अगर आप मोर पे क्लिक करें मैंने यहाँ पे मोर पे क्लिक किया जैसे मैं मोर पे क्लिक करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर में मोर नाचने लग जाएगा बट ऑन दी अदर साइड यू विल सी कि यू हैव मैनी अदर रिसोर्सेज अवेलेबल जहाँ से आप डेटा लेके आ सकते हैं और ये एंडलेस रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं तो आप क्या करते हैं डेटा को कनेक्ट करते हैं पावर बी में जैसे फाइल से लेके आना है तो ये आपके पास सोर्सेज हैं पी फाइल पैराक्वेट फाइल, फाइल शेयर पॉइंट फोल्डर फोल्डर जेसॉन एक्स टेक्स्ट, ईस सी एस वी एंड सोन ऑन एंड सोफ डेटा बेस से लेके आना तो सीक्वल नॉन सीक्वल एंड देर आर मैनी अदर डेटा बेस अवेलेबल माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक से लेके आना तो ये है, पावर प्लेटफॉर्म से एज्योर जो क्लाउड कंप्यूटर है वहाँ से लेके आना तो ये है, ऑनलाइन सर्विसेज से लेके आना तो ये भला हमारे पास है एन अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल सो मोर देन हंड्रेड ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है ठीक है जी तो आप यहाँ से टेम्पलेट ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी अपने आपका डेटा जो है कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे देन यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट द सर्टिफाइड कनेक्टर्स यानी कि वो डेटा सोर्सेज जो सर्टिफाइड अवेलेबल हैं फॉर यू फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ठीक है जी तो ये हमारे पास आ गया अब ये एक लिंक है गिट का जिसके ऊपर मैंने डेटा सेट्स फॉर प्रैक्टिस अपलोड कर दिए हुए हैं आई विल शेयर दैट लिंक विद यू इन द डिस्क्रिप्शन और आप आर्ट से जितने भी डेटा सेट हम यूज़ करेंगे पावर बी के कोर्स के अंदर वो सारे के सारे डेटा सेट्स मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल uh, करवा दूंगा यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट वन और वो आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे डाउनलोड करने के लिए से फॉर एग्जाम्पल मैं आइरिस के डेटा पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर डाउनलोड रॉ फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी एंड यू कैन सी के मेरे पास आयरस एस सी एस पी की फाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है सो दिस इज हाउ यू विल डाउनलोड द डेटा वन एवर यू आर गोइंग टू यूज़ बेसिकली इस फोल्डर का लिंक आपके पास मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है अब यही फोल्डर को मैंने यहाँ पे अपने पास एक प्रॉपर वे के अंदर स्टोर कर लिया यानी कि ये मेरे पास सारे का सारा डेटा सेट मौजूद है यहाँ पे डेटा बेस एस क्यू लाइट यानी कि एस क्यू एल का ये सी एस वी का ये एक्सेल की फाइल है देन देर आर मैनी अदर डेटा सेट्स अवेलेबल हियर जो मैंने मल्टीपल सोर्सेज से लिए हुए हैं मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा जब भी आपके पास कोई इस तरीके से फाइल आएगी जिप फाइल आप पहले उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ट ठीक है जी तो ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे एस क्यूएल का डेटा सेट भी आ गया सो आई विल कीप इट लाइक दैट राइट यहां तक क्लियर हो गया अब हम क्या करते हैं इस कनेक्ट डेटा पे जाते हैं और सबसे पहले एक्सल की वर्क बुक लेके आते हैं सो so, या तो आप एक्सल वर्क बुक पे क्लिक करेंगे या गेट डेटा पे क्लिक कर लेंगे मैं एक्सल पे क्लिक करता हूँ एक्सेल पे क्लिक करने के बाद आई विल गो टू माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर जहां पर मैंने अपना डेटा सेट रखा हुआ और ये मेरे पास सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा मेरे पास मौजूद है मैं इसे ओपन करूँगा और जैसे मैं इसे ओपन करूँगा यू विल सी इट विल टेक सम टाइम टू एक्चुअली फेच दैट डेटा और वो इसे कनेक्ट कर देगा अपने इस फोल्डर के अंदर और हमारे पास डिफरेंट किस्म का डेटा जो है वो आ जाएगा सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डेटा सेट मौजूद है ऑर्डर्स का ये सुपर स्टोर्स का डेटा है बेसिकली यू का और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑर्डर्स का डेटा आ चुका है ये ऑर्डर आई डी है ऑर्डर डेट है शिप वेट है शिप मोड है कस्टमर आई डी है रीजनज हैं एंड देर आर मेनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एज वेल आप यहां पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं इस डेटा को बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द डेटा हमारा पहला मकसद है जस्ट कनेक्ट द डेटा लोड पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है वो कनेक्ट हो जाएगा मैं अब वापस जाता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक डेटा सेट है पीपल का डेटा सेट हमारे पास मौजूद है एंड देन रिटर्न का डेटा सेट है जिन जिन ने रिटर्न की है शीट का डेटा सेट है शीट टू है हमारे पास ऑर्डर हैं पीपल है रिटर्न थ्री है देर इज़ मैनी अदर काइंड ऑफ एक्सल एस एक्स वर्क बुक तो अगर आप इस डेटा को ओपन करेंगे यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ शीट्स अवेलेबल ठीक है और ये डेटा किस तरीके से नज़र आता है अगर मैं रियल लाइफ में देखूँ तो ये मेरे पास सैम्पल स्टोर का डेटा है मैं एक्सेल के साथ ही इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ एंड हेयर यू गो ये जनाबे वाला मेरे पास डेटा सेट है ऑर्डर पेपल शीट शीट वन शीट टू एंड रिटर्न तो ये जो शीट्स हैं बेसिकली ये मेरे पास पावर बी के अंदर कुछ इस तरीके से नज़र आ रही हैं ठीक है ये शीट्स हैं ये पूरी की पूरी वर्क बुक है और ये एक शीट है वर्क बुक क्या होती है जिसके अंदर शीट्स अवेलेबल होती हैं लाइक दिस दिस इज़ वर्क बुक और जब मैं इसको ओपन करता हूँ दीज आर द शीट्स अब मैंने क्या करना है पावर बी पे वापस जाना है और यहाँ पे देखेंगे आपके मेरे पास ऑर्डर्स का जो डेटा है मैं इस पर जैसे चेक बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे लोड की ऑप्शन मेरे पास ऑन हो जाती है तो मैंने ऑर्डर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लोड पे क्लिक किया तो मेरा डेटा जो है वो बेसिकली इस पूरे के पूरे डेटा सोर्स के अंदर मेरे पास लोड हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पास uh, कई ऐसी चीज़ें पेंडिंग चेंजेस इन योर क्यूरिज दैट है बीन अप्लाइड वी विल सी दैट कि हमें वो अप्लाई करनी है कि नहीं करनी बट वी विल ऑल्सो सी अलॉट ऑफ अदर थिंग्स ये डेटा सेट कितना बड़ा है और कितना बड़ा डेटा सेट यहाँ पर मौजूद है आई कैन शो यू आप राइट क्लिक करके जैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे यू विल सी कि ये एक इशारिया पाँच एम बी का डेटा सेट है जीरो पाँच एम बी का विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेट आई वु से अगर आप बाकी डेटा सेट्स को देखें तो दो डेटा सेट्स आर वेरी स्मॉल और इसका तरीकाकार ये है कि हमें डिटेल्स में जाने के बजाय व्यू में जाके यहाँ पे डिटेल्स इसकी आपको दिखा देता हूँ सो हेर यू कैन सी कि ये तकरीबन नाइन एम का है दो सौ पैंतीस के बी सो सौ एन सौ फोर्थ ठीक है तो ये बाकी डेटा साइट बहुत छोटे हैं सैम्पल स्टोर का डेटा मेरे पास एक एम का है और डायमंडस का डेटा नाइन एम का है ठीक है एंड एस क्यू एल डेटा हमारे पास अच्छा खासा बड़ा है अगर आप देखें तो तीन सौ पाँच एम बी का एस क्यू एल डेटा है सो so हमारे पास जो एस क्यू एल डेटा है और दूसरे डेटा साइट्स हैं वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे तो ये मैंने अपना डेटा जो है इसे लोड कर लिया एंड नाउ आई विल सी कि हमारा डेटा कहाँ पे मौजूद है अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास क्लिक करने से ये मेरे पास टेबल व्यू आ गया बट मेरा डेटा जो है इट विल टेक सम टाइम टू लोड यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये यह डेटा यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दिस इज़ काइंड ऑफ मॉडल विच आई कैन एक्चुअली मॉडल बेस्ड ऑन द फील्ड्स या कॉलम्स ऑफ दैट दैट डेटा और यहाँ पे हमारे पास डैक्स मौजूद है विच यू कैन अंडरस्टैंड डैक्स क्यूरी के साथ यहाँ पे आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ऑन दी अदर साइड अगर आप विजुलाइजेशन पे क्लिक कर रहे हैं राइट right साइड पे जाएंगे तो आपके पास डेटा के अंदर यानी कि ये जो डेटा की टैब है अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था डेटा की टैब पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डेटा आ जाएगा आप एक ही दफा पूरा का पूरा फोल्डर भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन सर्च द डेटा फ्रॉम हियर लेकिन मेरे पास ये ऑर्डर्स का डेटा एंड आई कैन एक्चुअली सी कि ये ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें मौजूद हैं और अगर आप गौर करें तो मेरे पास यहाँ पे ए डैश कैटेगरी सिटी कंट्री एंड ये सारे मेरे पास फील्ड्स या कॉलम्स हैं इनको या तो फील्ड्स बोला जाता है या आप कॉलम्स भी बोल सकते हैं सो so अगर इनको मैं और जूम इन करूँ आई कैन शो यू एक्चुअली कि ये जो डेटा है ये बेसिकली कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा राइट right? तो ये पूरे के पूरे फील्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं सो यू कैन सी कि आपके पास डेटा मौजूद है मैं यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ जैसे मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर और रेडी कुछ शो होना स्टार्ट हो गया मैं जैसे सिटी पे क्लिक करता हूँ यू विल सी के हमारे पास सिटी और कैटेगरी दो चीज़ें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गए एंड यू कैन एक्चुअली स्क्रोल डाउन दिस काइंड ऑफ डेटा सेट और ये अगर मैं यहाँ पे कंट्री या रीजन पर क्लिक करता हूँ यू विल सी के मेरे पास तीसरा डेटा भी आ चुका है जैसे मैं इन दोनों में से किसी एक को चेकआउट करता हूँ यू विल सी के डेटा हमारे पास सिर्फ कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा मौजूद है सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली सी कि आप डेटा को यहाँ से इंटरेक्टिवली कुछ भी करते जाएंगे वो दूसरी साइड पे वो डेटा आपका शो होता जाएगा लाइक like दिस तो पहली फॉर्म है टेबल की फॉर्म टेबल की फॉर्म के अंदर आपके पास डेटा आ जाएगा इसके अलावा आप प्लॉटिंग भी कर सकते हैं यू कैन डू सेवरल अदर थिंग्स विद द डेटा सेट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अगर मैं यहां पे क्लिक करूं गेट डेटा सोर्स पे जाने के बाद और यहां से सी फाइल पे क्लिक करूं आई कैन ऑल्सो लोड सम अदर डेटा मेरे पास आयरस सी का डेटा है टिप्स का डेटा है टाइटेनिक का डेटा है तो मैं टाइटेनिक के डेटा को ओपन करता हूं मैं जैसे इसको ओपन करूंगा यू विल सी के हमारे पास अब ये डेटा कनेक्ट हो रहा है एंड देन यू विल सी के ये डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है टाइटैनिक का टाइटेनिक के डेटा के अंदर अगर आप देखें तो आप इस पूरे के पूरे डेटा को लोड भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एनालिसिस मैं इस पर लोड पर क्लिक करता हूँ और यू विल सी के हमारे पास ये डेटा सेट आठ सौ इक्यानवे रोज़ का डेटा जो है मेरे पास आ चुका है एंड हाउ वी कैन व्यू दैट डेटा सिंपली क्या है ये जो ऑर्डर्स है हमारे पास यहाँ पे जिससे हमने कॉलम लिए हुए थे मैं इसको अनचेक करता हूँ अनचेक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये टाइटेनिक का डेटा भी इसके अंदर लोड हो चुका है ठीक है अब मैं और भी डेटा इसमें लोड कर सकता हूँ सिर्फ फॉर एग्जाम्पल गेट मोर सोर्सिस डेटा और मैं यहाँ से फोल्डर पर अगर क्लिक करूँ कनेक्ट पर क्लिक करूँ एंड नाउ यू विल सी इट विल आस्क मी द फोल्डर पाथ मैं यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करता हूँ और मुझे बताया कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर पावर बी आई के अंदर मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है डेटा सेट फॉर प्रैक्टिस मैं इस पर क्लिक करके ओके okay, करके ओके okay करता हूँ यू विल सी नाउ अ बिग थिंग कि मेरे पास ये सारे के सारे डेटा सेट मौजूद है इसको कंबाइन भी हम कर सकते हैं और इसको लोड भी कर सकते हैं सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इन सभी को कम्बाइन करना या लोड करना फॉर मी आई विल जस्ट क्लिक ऑन लोड एंड लेट्स सी के हमारे पास क्या होता है ना यू वेल सी के हमारे पास मल्टीपल डेटा जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं कुछ एरर्स भी हैं ओबियसली क्योंकि हमारे पास एक जिप फाइल मौजूद है जिप फाइल काउंट पी रीड कांट पी रीड तो यू वेल सी के हमारे पास कौन कौन सा डेटा है जैसे मैं डेटा सेट फॉर प्रैक्टिस पे क्लिक करता हूँ यू वेल सी ए के हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म की हर एर की बन गई है ठीक है सो वेन यू नीड टू डू दिस काइंड ऑफ डेटा साइट फॉर प्रैक्टिस काइंड ऑफ फोल्डर से कैसे आप अपना डेटा रीड करेंगे उसके लिए स्पेसिफिक सैनैरियोज़ होते हैं सबसे पहला स्पेसिफिक सैनैरियो ये है कि अगर एक फोल्डर के अंदर सेम किस्म का डेटा पड़ा हुआ है यानी कि जैसे फॉर एक्जाम्पल ये डेटा जो है सुपर स्टोर का ये दूसरे के साथ लिंक करता है और ये आपस में कनेक्टेड है देन ओनली यू कैन एक्चुअली लोड द डेटा या कम्बाइन द डेटा अदरवाइज इट्स बेटर नॉट टू डू दैट तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अब मैंने ये डेटा लोड किया बट इट डिडन वर्क फॉर मी सो मैं यहाँ पे राइट right क्लिक करता हूँ या इस तरीके से डिलीट फ्रॉम द मॉडल इसे कर दूंगा तो ये डेटा सेट हमारा यहाँ से रिमूव हो गया सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली एट द डेटा एंड रिमूव द डेटा यहाँ पे आपके पास ये पूरे का पूरा मॉडल मौजूद है जिसके अंदर आपके पास सारे के सारा एक्सल की तरह डेटा नज़र आता है आप यहाँ से फिल्टर्स भी लगा सकते हैं एंड देन यू कैन एक्चुअली सॉर्ट एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द डेटा ये तो हो गया सिंपल डेटा सेट जो हमारे पास आते हैं ठीक हो गया जी यहां तक आपको क्लियर हो गया अब मैं क्या करता हूं ये दोनों डेटा सेट ही मेरे काम के नहीं है मैं इसे रिमूव करता हूं जस्ट टू शो यू कि आप डेटा से किस तरीके से खेलते हैं और अब मैं क्या करने वाला हूं मैं इस एक जो मेरे पास ऑप्शन आ गई थी रिपोर्ट के अंदर उसको भी रिमूव करता हूं एंड नाउ आई एम गोइंग टू लोड द डेटा फ्रॉम एस क्यूएल सर्विस ठीक है तो मैं यहां पे एस क्यूएल सर्वर के ऊपर जाता हूँ एस क्यूएल सर्वर के ऊपर जाने के बाद यू कैन एक्चुअली लोड द डेटा सेट फ्राम द सर्वर्स और रेडी जो ऑनलाइन चल रहे हैं जो वेबसाइट पे होते हैं या डिफरेंट अदर प्लेसेस पे होते हैं आपके पास उसका लिंक होता है डेटाबेस सर्वर का एंड देन यू कैन एक्चुअली राइट डाउन द पोर्ट सर्वर और आप यहां से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंपोर्ट दैट एस क्यू एल सर्वर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर ट्राई कीजिएगा और कोशिश करें कि एस क्यू एल की फाइल को आप किस तरीके से पावर बी आई में लोड कर सकते हैं वो लेके करें वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं तो आपको बता ही दूंगा अपना ख्याल रखें सीजन द नेक्स्ट वन डेटा कनेक्ट करें प्रैक्टिस करें इस पर कि डेटा आपका कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको प्लॉटिंग सिखाने वाला हूँ अपना ख्याल रखिएगा